जय हिंद दोस्तों। हर साल एक इंक्रीमेंट होता है आपकी सैलरी में, लेकिन जब आपका प्रमोशन आने का होता है उस साल आपके दो इंक्रीमेंट होते हैं, एक एनुअल और दूसरा प्रमोशनल इंक्रीमेंट। लेकिन जब एक साल में दो इंक्रीमेंट होते हैं और दोनों इंक्रीमेंट, पहला तो एक एनुअल जो इंक्रीमेंट है वो आपका या तो जनवरी 1 को होगा या जुलाई 1 को होगा, और प्रमोशनल इंक्रीमेंट आपका कभी भी जब प्रमोशन डेट होगी उस समय आपका इंक्रीमेंट होता है। लेकिन जब एनुअल और प्रमोशन दो इंक्रीमेंट एक साथ किए जाते हैं तो उसमें आपको अगले साल का इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। और कौन कौन सी डेट को नहीं मिलेगा आपको इंक्रीमेंट, अगर आपका प्रमोशन किस डेट में आ गया उस डेट में आपको एक अगले साल का इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, जिससे आपकी पेंशन तो कम होती ही है क्योंकि बाद में पेंशन का नुकसान होता है, सैलरी भी आपकी कम आती है। इसीलिए कई रैंक ऐसी हैं जिनकी सेम रैंक है, सेम सर्विस की है, लेकिन उनकी पेमेंट अलग आ रही है और पेंशन भी अलग आ रही है। तो ऐसा क्या कारण है, आपको मैं वो फॉर्म भी दिखाऊंगा जिसमें ये संशोधन आप कर सकते हैं। ऑप्शनल ऑप्शनल फॉर्म है, उसको आप भर के ये संशोधन कर सकते हैं। अगर आपकी पेंशन कम आ रही है, आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों या नेवी के सर्विंग जवान हो या रिटायर्ड जवान, तो कौन सा फार्म है वो भी दिखाएंगे। और वो मैं इंक्रीमेंट आपका कौन कौन सी डेट में आपका प्रमोशन आता है वो उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूं आपको कि एक ही रैंक के हैं और उनकी पेंशन अलग अलग आ रही है और उसके क्या कारण है। सेम सर्विस की है और सेम रैंक से रिटायर हुए हैं लेकिन पेंशन अलग अलग आ रही है। तो मैं कुछ आपको पहले पीपीओ दिखाता हूं, इसके बाद वो ऑप्शनल फार्म दिखाऊंगा कि किस डेट पर आपका प्रमोशन आने से आपको नुकसान है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक ये पीपीओ है जिसमें कि सिपाही से रिटायर हैं, और बता दें कि इनकी जो पेंशन है 20,107 रुपए है और ये 2012 के रिटायर्ड है, पूरी 17 साल सर्विस की है। दूसरा पीपीओ भी आपको मैं दिखा देता हूं, ये पीपीओ है 21,782 रुपए इनकी आ रही है और इनका 20,107, तो ये डिफरेंस है। ये 2011 में रिटायर हैं और ये 2012 में, समझ सकते हैं कि जो दो पहले रिटायर हैं उनकी ज्यादा आ रही और बाद वालों की कम आ रही। तो इसलिए आ रही क्योंकि वो आपने दो इंक्रीमेंट है और प्रमोशन भी उस साल आ गया, इंक्रीमेंट भी उस साल आ गया और आपका एक इंक्रीमेंट छूट गया जिसकी वजह से आपको ये नुकसान है। दूसरे भी पीपीओ दूसरे रैंकों के भी दिखा देता हूं, हवलदार हैं, आरटी रिकार्ड, नासिक से रिटायर्ड हैं और 2020 में ये रिटायर हुए हैं, टोटल 24 साल पूरी सर्विस करने के बाद। लेकिन इनकी जो पेंशन आ रही है आप देख सकते हैं 24,400 रुपए आ रही है। कई हवलदार ऐसे हैं जिनकी 23,700 और किसी की 25,050 रुपए पेंशन आ रही है, तो ये विसंगतियां हैं। अब मैं बता दूं कि सिपाही आप देख सकते हैं, सिपाही है, पंजाब रिकार्ड से रिटायर हैं, 2020 के रिटायर हैं और पूरी 17 साल सर्विस की है, लेकिन इनकी पेंशन आप देखेंगे तो 22,425 आ रही है। तो ये देख सकते हैं एक 22,425 वाले सिपाही हैं, और दूसरी है जो सिपाही है 2021 में सिग्नल रिकार्ड से रिटायर हुए हैं। मैं बता दूं जो सिग्नल रिकार्ड से 2021, 20 और 22 में रिटायर हो रहे हैं, जितनी इनकी पेंशन आ रही उतनी किसी भी सिपाही की नहीं आ रही होगी। आप देख सकते हैं ये 21,988 रुपए से इनकी बढ़कर 22,538 रुपए हुई है, और वो ये इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने ऑप्शनल जो फॉर्म आया है वो फॉर्म भरा था। तो आप भी वो फॉर्म भरेंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि आपके जो प्रमोशन और जो प्रमोशन का इंक्रीमेंट और जो सालाना जो इंक्रीमेंट होता है वो एक साथ जब इंक्रीमेंट होते हैं तो अगले साल आपको एक इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है। एक और पीपीओ मैं दिखाता हूं, सिपाही है जो कि 21-2020 में रिटायर हैं, आरटी रिकार्ड से हैं, इनकी पेंशन आप देखेंगे तो इनकी 21,025 मात्र आ रही है। तो वही कारण रहा कि इनको या तो एमएससीपी का एमएससीपी का जो इंक्रीमेंट मिल रहा था और या सालाना इंक्रीमेंट मिल रहा था वो एक ही टाइम में मिला है, इसी की वजह से इनको एक साल का इंक्रीमेंट नहीं मिला है। दूसरा एक पीपीओ है ऑनरी नायब सूबेदार, यानी कि हवलदार से 24 साल सर्विस करके ऑनरी नायब सूबेदार से एमएससीपी लेकर रिटायर 2018 में हुए हैं 24 साल सर्विस करने के बाद, और 2018 की पेंशन आप देख सकते हैं 24,825 बेसिक आ रही है,
लेकिन कई हवलदार ऐसे हैं जिनको 23,700 आ रही है या 24,200 के आसपास आ रही है। तो ऐसा इसीलिए हुआ है कि वो मैं आपको आगे लेटर दिखाता हूं। एक और पीपीओ देखे, हवलदार है ये, 2018 के रिटायर है, 24 साल सर्विस की है और पंजाब के ही है, पंजाब रिकॉर्ड के। लेकिन इनकी पेंशन आप देख सकते हैं 24,025 से जो चेंज हुई है 25,050 आ रही है, यानी कि किसी की 24,800, किसी की 24,200, किसी की 25,050 रुपए। तो ये अंतर है, हवलदार ही है और सेम रैंक से रिटायर हुए हैं तब भी इनको पेंशन में इतनी अंतर आ रही। अब मैं आपको वो लेटर दिखाता हूं कि कब आपका प्रमोशन या एमएससीपी का लाभ आपको मिल रहा है, तो आपको एक इंक्रीमेंट का नुकसान होता है और कब आप इसका फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक करेक्शन ऑप्शनल फॉर्म आता है जो कि आपको भर के भेजना होता है रिकॉर्ड को, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले बता दूं कि एमओडी का एक लेटर है और ये लेटर का नंबर आप देख सकते हैं पे और सर्विस से संबंधित है, जिसका पार्ट टू कर किया गया था, पार्ट वन उसका दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि रीफिक्सेशन ऑप्शनल फॉर्म है पे फिक्सेशन का, जो कि डीएनआई इन लोअर रैंक यानी कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का लोअर रैंक से आपको इसमें नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है आपको बता दूं कि आपके साल में दो इंक्रीमेंट अगर लगने होते हैं तो आपको एक इंक्रीमेंट का नुकसान होता है। जैसे कि अगर आपका साल में 1 जनवरी को इंक्रीमेंट, सालाना जो इंक्रीमेंट लगता है 1 जनवरी को अगर लग रहा है या 1 जुलाई को लग रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपको कब इंक्रीमेंट लग रहा है, कि आप कब भर्ती हुए, उस हिसाब से आपको या तो 1 जनवरी में लगेगा या 1 जुलाई में सालाना इंक्रीमेंट लगता है। लेकिन उसी टाइम आपका प्रमोशन आ जाता है तो आपको काफी नुकसान होता है, क्योंकि प्रमोशन उसी साल और उसी साल वो इंक्रीमेंट एक साथ जुड़ना है, तो वो केवल एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलता है। या तो प्रमोशन का ले ले, या फिर आप एमएससीपी का ले ले, या फिर आपको सालाना इंक्रीमेंट का ले ले। अब आप देख सकते हैं व्हेन डेट ऑफ इंक्रीमेंट ड्यू ऑन 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई एवरी ईयर, यानी कि जब इंक्रीमेंट आपका ड्यू होता है 1 जुलाई 2024 हर साल, जब आपका सालाना इंक्रीमेंट 1 जुलाई को होता है, उस समय आपको 1 जनवरी को अगर आपका प्रमोशन आ गया या एमएससीपी का आ गया, 8 साल में जो एमएससीपी आती है 1 जनवरी को आ जाता है, और आपका जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट सालाना हो रहा है 1 जुलाई को हो रहा है, तो फिर आपको क्या होता है, इफ ऑप्टेड फॉर द डीएनआई यानी कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट देन 2 इंक्रीमेंट एनुअल प्लस प्रमोशन, यानी कि 1 जनवरी को आपको प्रमोशन का आ रहा है, 1 जुलाई को आपको एनुअल आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों इंक्रीमेंट साल के मिलेंगे। विल बी गिवन जुलाई सेम ईयर, यानी कि सेम ईयर आपको जुलाई में भी एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा और प्रमोशन का जनवरी में भी एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा। मैं बता दूं कि दोनों इंक्रीमेंट आपको अगर मिल रहे हैं तो तभी मिलेंगे जब आपका ये गैप होना चाहिए 1 जनवरी और 1 जुलाई, यानी कि प्रमोशन का 1 जनवरी को हो और जो आपका सालाना इंक्रीमेंट लगता है 1 जुलाई का है, तब तो आपको दोनों इंक्रीमेंट उसी साल मिल जाएंगे। 1 इंक्रीमेंट आपका एनुअल जुड़ जाएगा और 1 इंक्रीमेंट आपको जो प्रमोशन का है या एमएससीपी का है, दोनों मिल जाते हैं। लेकिन अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, 1 जनवरी से 30 जून तक आपका प्रमोशन अगर आ रहा है और 1 जुलाई को आपका एनुअल इंक्रीमेंट लगना है, तो भी आपको दोनों लाभ मिल जाते हैं, दोनों फायदे मिल जाते हैं। यानी कि 30 जून तक अगर आपका प्रमोशन आ जाता है तो इंक्रीमेंट मिल जाता है और ये आपका एनुअल इंक्रीमेंट जो है जुलाई को लागू होना है वो मिल जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, जब आपका 1 जुलाई को प्रमोशन भी आ जाए और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट सालाना जुड़ना है, तो आपको इसका फायदा मिल जाता है, दोनों इंक्रीमेंट उसी साल जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर एक इंक्रीमेंट आपका जुलाई में सालाना लग रहा है और उसके बाद आपका प्रमोशन 2 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में आ रहा है, तो फिर आपको गड़बड़ हो जाता है और इसी वजह से आपकी पेंशन में और सैलरी में दिक्कत आ जाती है। इसमें कहा है कि इफ डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ऑप्शन एक्स देन 2 इंक्रीमेंट एनुअल और प्रमोशन, या एनुअल और प्रमोशन 2 इंक्रीमेंट आपको एक साथ अगर आ रहे हैं तो फिर आपको नुकसान हो जाता है। जैसे कि जुलाई नेक्स्ट ईयर में आपको वो इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी कि जुलाई नेक्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट मिलने का मतलब है कि आपको जो प्रमोशन का इंक्रीमेंट है इस बार नहीं मिलेगा, वो जुलाई का ही मिलेगा, यानी कि 1 जनवरी से मिलेगा आपको, अगर 2 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में आपका इंक्रीमेंट आ रहा है तो ये नुकसान आपको हो जाता है। ऐसे ही आप अगर
आपका एनुअल इंक्रीमेंट जो है 1 जनवरी को लागू होता है, 1 जनवरी से इफेक्टेड है एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है। तो सालाना का इंक्रीमेंट अगर 1 जनवरी से है तो आपको क्या नुकसान है, मैं बता दूं कि अगर 1 जनवरी का आपको प्रमोशन आ जाता है और 1 जनवरी को ही सालाना इंक्रीमेंट जुड़ता है तो फिर आपको इसमें कहा गया है कि इफ ऑप्टेड द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट देन 2 इंक्रीमेंट एनुअल और प्रमोशन विल बी गिवन इन सेम ईयर आपको मिल जाएंगे, 1 इंक्रीमेंट विल बी गिवन 1 जुलाई सेम ईयर। यानी कि आपको जनवरी में भी इंक्रीमेंट आपका प्रमोशन वाला मिल जाएगा, लेकिन जो 1 जनवरी को आपको डेट ऑफ जो सालाना इंक्रीमेंट मिलता है वो आपको जुलाई में सेम ईयर में मिलेगा। तो जुलाई में मिलेगा, जो जनवरी का इंक्रीमेंट हर साल आपको मिल रहा था वो जुलाई में बढ़कर मिलेगा। अब दूसरा आ जाता है, जो 2 जनवरी से 30 जून तक आपका प्रमोशन अगर आ रहा है और 1 जनवरी को आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है तो इसमें क्या है, इसमें दिया है कि आपको जनवरी का नेक्स्ट ईयर में आपको इसमें दिया है इट ऑप्टेड ऑन डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट देन 2 इंक्रीमेंट एनुअल प्लस प्रमोशन विल बी गिवन इन जनवरी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर जनवरी में आपको वो इंक्रीमेंट मिलेगा, 1 इंक्रीमेंट विल बी गिवन 1 जुलाई नेक्स्ट ईयर। यानी कि आपको 1 जनवरी को 1 इंक्रीमेंट मिल जाएगा और 1 जुलाई को भी 1 इंक्रीमेंट मिल जाएगा, जब 2 इंक्रीमेंट अलग अलग डेट पर आ रहे हैं उस समय। और इसके बाद 1 जुलाई से 1 आपका प्रमोशन है और 1 जनवरी को आपको है तब भी वही लागू है, और इसके बाद 2 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में है और 1 जनवरी को आपको इंक्रीमेंट सालाना है तब भी वही लागू है। यानी कि आपको इस समय इसमें नुकसान हो जाता है 1 इंक्रीमेंट का, क्योंकि ये इंक्रीमेंट आपको अगले साल मिलेगा और अगले साल से नुकसान क्या है कि आपकी जो 7 के रिटायर हैं वो उसी साल से वो इंक्रीमेंट लेने लगते हैं, लेकिन आपको वो अगले साल इंक्रीमेंट दिया जाता है, तो 1 इंक्रीमेंट का ऐसे नुकसान हो जाता है, इसीलिए वो पेंशन में दिक्कत आती है। इस पेंशन को सही करने का क्या तरीका है बता दे, ऑप्शन फार्म आता है, फार्म ऑफ ऑप्शन, जिसमें कि आपको 2 ऑप्शन दिए होते हैं, दोनों ऑप्शन में आपको क्या करना होता है, माय पे ऑन प्रमोशन टू द रैंक ऑफ डैश मे बी फिक्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपको करना है या फिर डेट ऑफ माय प्रमोशन करना है, आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपको मैं बता दूं कि दूसरा ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट करें, क्योंकि क्या होता है कि आप प्रमोशन का तो आपको इंक्रीमेंट मिल ही जाएगा, लेकिन जो प्रमोशन के बाद वो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो तो मिल ही जाता है, प्रमोशन का इंक्रीमेंट आपका रुक जाता है, तो प्रमोशन का इंक्रीमेंट लेने के लिए आपको ये ऑप्शनल फॉर्म भरना होगा। जो भी पेंशनर्स हैं वो ऑप्शनल फॉर्म भर सकते हैं, जो पेंशनर तो नहीं भर सकते हैं, लेकिन जो सर्विंग कर रहे हैं वो भर सकते हैं, क्योंकि जो सर्विंग करते हैं वही अपना ऑप्शनल, जब प्रमोशन और ऐसा आ जाता है कि प्रमोशन और जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट है एक ही टाइम पे हो रहा है, तो उस समय आपको नुकसान से बचने के लिए इस ऑप्शन फॉर्म को जरूर भरें। और बता दें, इसके भरने के बाद POR को आपको ये भेजना होता है और ये अपनी यूनिट से ही आप भेज सकते हैं। ये थी जानकारी, थैंक यू, जय हिंद।